वेलकम टू सीजी शिक्षा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स के 11 चैप्टर, जिसके अंतराल में हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 को देखे थे। अभी हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के बेस पे हम लोग इस चीज को पढ़ने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 के बेस पे किस तरीके से सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बेसिस पे। तो जो भी आप लोगों का बेसिक चीज जो था उसको बेसिक फंडामेंटल के बेस हम लोगों ने बता चुके हैं, और इसका जो क्वेश्चन है वो सेम इसी के प्रोसेस पे बनेगा जो कि क्वेश्चन नंबर 7 बना है, 8 बना है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बेस पे दिया गया है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 के बेस पे दिया गया है, तो इस चीज को हम लोग यहां से सॉल्व कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 के बेस पे किस तरीके से दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर 9 के बेस पे हम लोग इस चीज को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है इस चीज को देखिए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 मान लेते हैं, माना कि y इक्वल टू, इसको मानते हैं भाई, माना कि y इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा x पावर x टू द पावर cos x हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1 के बेस पे। सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 8 में सॉल्व किया है उसी के बेसिस पे है आप लोगों का ये क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो चलिए उसी के अंतराल में हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x के पावर के बेस पे हो जाएगा हम लोगों के पास, एक सा के पावर के बेस पे हो जाएगा। तो इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं, तो एक सा के पावर के बेसिस पे किस तरीके से होता है इस अंतराल के क्वेश्चन में हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया है, बाय में कितना दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये दिया गया है। इसको हम लोग y के बेस पे मार रहे हैं, इसको हम लोग किसके बेस पे मार रहे हैं, y के बेस पे मार रहे हैं, y के एक रोडिंग मार रहे हैं, y के बेस पे इस चीज को कर रहे हैं, और आगे इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो इस चीज के बेस पे हम लोग इस चीज को मानते हैं। चलिए चूंकि यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं u इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा एक्स के पावर एक्स माइनस कॉस एक्स, ये हो जाएगा, और भी के इक्वल मान लेते हैं हम लोग, भी के इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं, भी के इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बाय में एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये हो जाएगा। तब हम लोग इस चीज को करते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, वाई इक्वल टू यू प्लस भी, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, u प्लस भी, यहाँ से y इक्वल टू कितना हो जाएगा, u प्लस भी के अंतराल हम लोग इस चीज को देख रहे हैं। ठीक है, तो y के बेस पे जब हम इस चीज को देखते हैं, तो y के बेस पे जब हम इस चीज को देख रहे हैं, तो यहाँ पर कितना हो जा रहा है, y के बेस पे अगर इस चीज को हम लोग देख रहे हैं, तो y के बेसिस पे आप लोगों का ये एक्स के बेस पे हो गया, वाई के बेसिस पे यू प्लस भी हो गया। अब यहाँ से इसको एक एक करके लिखते हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर इसका एक्स सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू यहाँ हो जाएगा डी यू बाय डी एक्स प्लस डी वी बाय ये हो जाएगा डी एक्स, ये हो जाएगा। क्लियर, तो चूंकि हमारे पास दिया गया है वाई इक्वल टू, ठीक है, तो मान रहे हैं यहाँ से हम लोग y के बेस पे हम लोग इस चीज को मान रहे हैं, माना कि y इक्वल टू एक्स पावर एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बाय में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो चूंकि u इक्वल टू हम लोग यहाँ पर फिर से मान ली है, सपोज एक्स टू दी पावर एक्स माइनस कॉस एक्स, और v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बाय में एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बेस पे। तो चूंकि y इक्वल टू u प्लस भी होता है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy बाय dx इक्वल टू dv u बाय dx प्लस dv बाय dx के बेस पे हो जाएगा। तो इस चीज को हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 के बेस पे मान लेते हैं भाई। इस चीज को हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इस चीज को हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। चलिए, तो समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ये आप लोगों का समीकरण नंबर 1 के बेस पे हो जाएगा यहां पर। तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ये आप लोगों को हो जाएगा समीकरण नंबर 1। क्लियर, अब क्या करना है, पहला u इक्वल टू हम लोग जानते हैं, यहाँ से u के बेस पे देखते हैं भाई, u के बेस पे क्या होता है, u के बेस पे हमारे पास ये है कि x के पावर है x माइनस कॉस एक्स, u के बेस पे हमारे पास ये दिया गया है। देखिए u के बेस पे हमारे पास ये दिया गया है कि x के पावर x माइनस कॉस एक्स, u इक्वल टू दिया गया है x के पावर x माइनस कॉस एक्स। अब यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों पक्षों में हम लोग लॉग ले लेते हैं भाई, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में क्या लेने पर, लॉग लेने पर। तो दोनों पक्षों में हम लोग यहां से लॉग ले लेते हैं भाई, तो यहां पर दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, लॉग यू इक्वल टू यहां पर कितना हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा, कि पावर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस कॉस एक्स,
ये हो जाएगा। क्लियर। तो बेसिकली हमारे पास ये दिया गया था कि x पावर x माइनस कॉस x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 के बारे में x स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से हमारे पास मान लेते हैं, माना कि y इक्वल टू x के पावर x माइनस कॉस x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 के बारे में x स्क्वायर माइनस 1। तो चूंकि u इक्वल टू x के पावर x माइनस कॉस x, v इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 बाय में x स्क्वायर माइनस 1 के बेस पे हो जाएगा। तो चूंकि हम जानते हैं y इक्वल टू u प्लस v हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस v। और x के सापेक्ष इसको अवकलन करते हैं हम लोग, x के सापेक्ष क्या करते हैं भाई, यहां पर अवकलन करते हैं। तो यहां पर कितना हो जाएगा, dy / dx इक्वल टू हो जाएगा du / dx + dv / dx। क्लियर। ये क्या हो जाएगा, dy / dx इक्वल टू du / dx + dv / dx। यहां पर क्या हो गया, dy / dx इक्वल टू du / dx + dv / dx। तो u इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा, x के पावर x माइनस cos x हो जाएगा। तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के पावर क्या हो जाएगा, x माइनस cos x हो जाएगा। तो दोनों पक्षों में log लेने पर, हम लोग दोनों पक्षों में क्या लेते हैं भाई, यहां से log लेते हैं। तो क्या होता है, इस चीज को हम लोग यहां से देखते हैं। तो दोनों पक्षों में log लेने पर हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, इस तरीके से देखेंगे। तो यहां पर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा log u इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा x माइनस cos x, x माइनस cos x हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, log x हो जाएगा, x माइनस cos x, ये हो जाएगा आप लोगों का log x। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर दो। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर दो। ये आप लोगों का समीकरण नंबर एक है, इस चीज को हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर दो मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, हम समीकरण दो का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। क्लियर। तो यहां से हम लोग करते हैं इस चीज को, समीकरण दो का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण दो का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, वन बाय यू और डी यू बाय डी एक्स हो जाएगा। डी यू बाय क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से हम लोग करते हैं तो इसका कितना हो जाएगा, एक्स माइनस कॉस एक्स डी बाय डी एक्स, ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स। और यहाँ पर हो जाएगा डी बाय डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस कॉस एक्स। क्लियर। तो चलिए आगे इस स्टेप को सॉल्व करते हैं। तो आगे इस स्टेप को सॉल्व करते हैं तो ये किस बेस पे आता है, इस चीज को हम लोग यहां से जानते हैं। तो आगे के बेस पे जब सॉल्व करते हैं तो यहां पर कितना हो जाएगा, वन बाय यू और ये हो जाएगा डी यू बाय डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर log x का करेंगे तो log x का कितना होता है, 1/x। log x का क्या होता है, 1/x होता है। और यहाँ पर इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, log x हो जाएगा। x का अवकलन करते हैं हम लोग, x का कितना होता है, 1 होता है, तो 1 और माइनस हो जाएगा। और cos x का क्या होता है, माइनस sin x, तो ये हो जाएगा sin x, 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा। क्लियर। चूंकि इस बेस से हम लोग करते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 बाय यू डी यू बाई डी एक्स हो गया, एक्स माइनस कॉस एक्स का एक्स माइनस कॉस एक्स हो गया। यहाँ से किए हम लोग डी बाई डी एक्स लॉग एक्स के बेस पे, तो यहाँ पर लॉग एक्स का 1/x हो गया, ये हो गया लॉग एक्स, एक्स माइनस कॉस एक्स, एक्स का 1 होता है और माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, इसलिए माइनस माइनस हो गया प्लस। क्लियर। अब आगे स्टेप में देखते हैं भाई, आगे स्टेप में जब हम लोग देखते हैं तो इस बेस पे क्या आता है, इस चीज को यहाँ से देखते हैं। देखिए आगे स्टेप के बेस पे हम लोग देखते हैं तो आगे यहाँ से हम लोग देखते हैं तो यहाँ से क्या आता है, इस चीज़ को देखते हैं। आगे हो जाएगा वन बाय यू और डी यू बाय डी एक्स इक्वल टू कितना दिया गया है, यहाँ पर हमारे पास एक्स दिया गया है, एक्स माइनस कॉस एक्स के बारे में कितना दिया गया है, एक्स, ये दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है प्लस लॉग दिया गया है, यहाँ पर लॉग एक्स दिया गया है, लॉग एक्स, और ब्रेकेट में दिया गया है 1 प्लस साइन एक्स, ये दिया गया है। क्लियर। यहाँ से हम लोग निकालते हैं डी यू बाय डी एक्स, यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, डी यू बाय डी एक्स निकालते हैं। तो डी यू बाय डी एक्स जब निकालते हैं तो ये किस बेस पे आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो डी यू बाय डी एक्स के लिए हम लोग यहाँ पर निकालते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, डी यू बाय डी एक्स
डी यू बाई डी एक्स निकालते हैं तो यहाँ से आप लोगों का क्या हो जाएगा, यू इधर आ जाएगा तो यू हो जाएगा, और ब्रेकेट के बेस पे हमारे पास क्या आ जाएगा इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो ब्रेकेट के बेस पे हमारे पास क्या आता है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास ब्रेकेट के पास यहाँ पर ये आ जाएगा भाई कि एक्स माइनस कॉस एक्स, एक्स माइनस कॉस एक्स के बारे में एक्स हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा, और ब्रेकेट में हो जाएगा वन प्लस, ब्रेकेट में क्या हो जाएगा वन प्लस, ब्रेकेट में क्या हो जाएगा वन प्लस, क्लियर, ब्रेकेट में हो जाएगा वन प्लस साइन एक्स, साइन एक्स के बारे में कितना हो जाएगा वन, ये हो जाएगा, क्लियर। अब यू का वैल्यू को रख देते हैं भाई, यू के वैल्यू के बेस पे क्या आता है इस चीज को रख देते हैं, तो आगे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या जाएगा डी यू बाय डी एक्स, डी यू बाय डी एक्स इक्वल टू यू का वैल्यू कितना है, यू का वैल्यू है एक्स के पावर एक्स माइनस कॉस एक्स है, और ब्रेकेट में आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस कॉस एक्स के बाय में हो जाएगा एक्स प्लस, ये हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा, ब्रेकेट में वन प्लस साइन एक्स हो जाएगा, और बाय में कितना हो जाएगा वन, ये आप लोगों का यू के बेस पे हो गया, ये आप लोगों के किसके बेस पे हो जाएगा भाई, ये आप लोगों के यू के बेस पे हो जाएगा, ये आप लोगों के यू के बेस पे होगा, क्लियर, ये आप लोगों के किसके बेस पे हो जाएगा यू के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का यू के बेस पे हो जाएगा, आगे देखते हैं, ये आप लोगों के यू के बेस पे हो जाएगा। तो हमारे पास वाई इक्वल टू इस तरीके से दिया गया है, हमारे पास क्वेश्चन में एक्स टू दी पावर एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन के बेस पे दिया गया था, तो इसको हम लोग वाई के बेस पे मान लिए, वाई इक्वल टू क्या हो गया एक्स के पावर एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन के बाय में एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो चूंकि यू इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स माइनस कॉस एक्स मान लिए हैं, और वी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो वाई इक्वल टू यू प्लस वी के बेस पे मान रहे हैं, यहाँ पर वाई इक्वल टू क्या मान रहे हैं यू प्लस वी के बेस पे मान रहे हैं, तो एक्स के सापेक्ष यहां पर अवकलन कर दिए, तो यहां पर हो गया du dy / dx = du / dx + dv / dx, समीकरण एक हो गया। अब यहां से u के लिए हम लोग निकाले, तो u के लिए निकाले तो u = क्या हो गया x का पावर x - cos x, दोनों पक्षों में log लेने पर log u log x के पावर x माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और log u इक्वल टू x माइनस कॉस एक्स log x हो जाएगा, समीकरण नंबर दो हो जाएगा। समीकरण दो का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा, x माइनस कॉस एक्स डी बाई डी एक्स log x हो जाएगा, प्लस log x का करेंगे तो डी बाई डी एक्स एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, तो 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा x माइनस कॉस एक्स, log x का क्या होता है 1 बाई एक्स, और log x का करेंगे log x हो जाएगा, x का अवकलन 1 होता है, और माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, इसलिए माइनस माइनस का प्लस हो गया तो 1 प्लस sin x हो गया। नेक्स्ट स्टेप में जब हम इस चीज को देखेंगे तो 1 by u du by dx equal to x minus cos x के बाय में x हो जाएगा, प्लस log x 1 plus sin x du by dx, ये u इधर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाता है, जो मल्टीप्लाई में रहता है वो डिवाइड में जाता है, जो प्लस में रहता है वो माइनस में जाता है, जो माइनस में रहता है वो आपका प्लस में जाता है, तो यहां पर हो जाएगा x minus cos x के बाय x plus log x 1 plus sin x के बाय में 1, तो यहां पर हो जाएगा du by dx equal to x के पावर x minus cos x minus cos x के बटे x plus log x 1 plus sin x के बाय 1, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 3, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब भी के बराबर निकालते हैं भाई, अब भी के बराबर निकालते हैं, अब किसके बराबर निकालते हैं हम लोग, अब भी के बराबर निकालते हैं, भी के अकॉर्डिंग में इसका वैल्यू क्या आता है इस चीज को देखते हैं, तो भी इक्वल टू देखते हैं, तो भी इक्वल टू हमारे पास क्या है इस चीज को देखते हैं, तो भी के अकॉर्डिंग में हमारे पास क्या है, भी के इक्वल क्या है एक्स स्क्वायर है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है के बाय में कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये है भाई, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग, इसका अवकलन करते हैं तो dv by dx हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो उस चीज को भी लिख दीजिए भाई कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, 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 तो यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा dv by dx, dv by dx इक्वल टू हो जाएगा आप लोगों का d by dx हो जाएगा, अब ब्रेकेट में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 के बाय में हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा इसका देखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा dv by dx इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, और d by dx ये ब्रैकेट में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, और अंश हर गुणित अंश का अवकलन गुणांक माइनस होता है, अंश गुणित होता है हर का अवकलन गुणांक, हर का अवकल गुणांक, हर का क्या होता है अवकल गुणांक, बटे में पूरा क्या होता है हर का वर्ग होता है, बटे में क्या होता है हर का
वर्ग ये होता है, बटे में क्या होता है हर का वर्ग होता है, क्लियर। तो ये डी वी वाई क्या हो गया, डी एक्स हो गया। तो आगे हम लोग इस चीज को देखते हैं, यहाँ से भी के बराबर लिए हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वन के बाय में एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन के बाय में एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ पर डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज को लिखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा इसका करेंगे तो ये टू एक्स हो जाएगा, ये वन का कितना होता है जीरो हो जाएगा, उसको लिखा नहीं जाते, माइनस ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, और ये इसका करेंगे तो ये भी आपका टू एक्स हो जाएगा, ये माइनस वन का क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा भाई। इसका नीचे में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। ये किसके अकॉर्डिंग रहेगा भाई, ये आप लोगों का डी वी बाय डी एक्स के अकॉर्डिंग रहेगा। आगे स्टेप में जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कितना आता है भाई डी वी बाय डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है इसका मल्टीप्लाई कर दो टू एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस टू एक्स हो जाएगा, क्लियर। माइनस इसका मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा टू एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा, क्लियर। पूरे के बाय में कितना हो जाएगा इस चीज़ को करेंगे तो हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस वन का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। आगे इस स्टेप को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस क्या हो जाएगा टू एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस टू एक्स हो जाएगा। पूरे के बाय में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, प्लस माइनस के कारण ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस के कारण क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा। तो भी इक्वल टू हम लोग क्या लिए थे एक्स स्क्वायर प्लस वन के बाय में एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स का सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन के बाय में एक्स स्क्वायर माइनस वन हो गया। डी वी बाई डी एक्स हर गुणित अंश का अवकलन गुणांक माइनस वन से गुणित हर का अवकलन गुणांक के बेस पर हम लोग इस चीज को किए तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन के बाय में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर बाय में डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन टू एक्स हो जाएगा बाय में एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स बाय में एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स प्लस माइनस करना दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है इस चीज को हम लोग देखते हैं भाई, नेक्स्ट स्टेप पे इसका आगे का स्टेप को देखते हैं, इसका आगे का स्टेप क्या होता है इस चीज़ को यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो इसका आगे का स्टेप क्या होता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो इसका आगे के स्टेप में जब हम लोग देखते हैं तो डी वी बाई डी एक्स के बेस पे यहाँ पर हम जब इसका लास्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं तो डी वी बाई डी एक्स के बेस पे तो यहाँ पर कितना आता है तो यहाँ पर आ जाएगा भाई नेक्स्ट स्टेप में आपके पास डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स बचेगा के बाय में कितना बचेगा एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर बचेगा। जब इस स्टेप को आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू ये कितना हो जाएगा माइनस फोर एक्स के बाय में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर ये हो जाएगा। तो ये आप लोगों का इस इक्वेशन के बेस पे हो जाएगा, आप लोगों का जब देखेंगे तो ये आप लोगों का इस इक्वेशन के बेस पे आ जाएगा, क्लियर। चलिए ये आप लोगों का थर्ड ये कुछ इक्वेशन नंबर फोर्थ हो जाएगा, आप लोगों के क्या हो जाएगा समीकरण नंबर चार हो जाएगा, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा भाई समीकरण नंबर चार हो जाएगा, ये आप लोगों का समीकरण नंबर चार के बेस पे आ जाएगा, क्लियर। ये आपका समीकरण नंबर चार के बेस पे आ जाएगा। अब चलिए समीकरण तीन और चार का मान रखने समीकरण एक में रखने पर समीकरण तीन व चार का मान समीकरण एक में रखने पर तो चलिए रखते हैं भाई समीकरण तीन, समीकरण तीन, समीकरण तीन, समीकरण तीन, समीकरण तीन व चार का मान, समीकरण तीन व चार का मान, समीकरण तीन व चार का मान, चार का मान, चार का मान समीकरण एक में रखने पर, 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 ठीक है समीकरण तीन व चार का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक में रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स के कितना है एक्स है भाई एक्स है एक्स के पावर कितना है एक्स माइनस कॉस एक्स, एक्स के पावर कितना है आपके पास कॉस एक्स है, ठीक है। तो चलिए उस हिसाब से हम लोग यहाँ से करते हैं एक्स माइनस कॉस एक्स है
और ब्रैकेट में यहाँ पर है एक्स माइनस कॉस एक्स, एक्स माइनस क्या हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस एक्स ठीक है, एक्स माइनस यहाँ पर कॉस एक्स है के बटे में क्या है एक्स है, के बटे में क्या है आपके पास, के बटे में है आपके पास एक्स है, के बटे में आपके पास क्या है एक्स है ठीक है, और प्लस लॉग एक्स, प्लस लॉग एक्स है, प्लस लॉग एक्स है, और यहाँ पर कितना है वन प्लस साइन एक्स है, वन प्लस साइन एक्स है के बारे में कुछ नहीं, मतलब क्या है वन है, ये आप लोगों का इसका है प्लस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर कितना दिया गया है डी वी बाई डी एक्स है, तो डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू को रखते हैं, तो डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू को रखते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू को रखेंगे तो माइनस फोर एक्स हो जाएगा, और बाय में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वन का होल स्क्वेयर ये हो जाएगा। आगे जब इस स्टेप को हम लोग सॉल्व करते हैं तो आगे के स्टेप को जब इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा एक्स का पावर एक्स माइनस कॉस एक्स, एक्स माइनस क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और यहाँ पर ब्रेकेट में हो जाएगा आपके पास एक्स माइनस कॉस एक्स के बाय में एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस बचेगा, यहाँ पर बचेगा लॉग एक्स, लॉग एक्स यहाँ पर बचेगा वन प्लस, वन प्लस साइन एक्स, वन प्लस क्या बचेगा साइन एक्स बचेगा के बाय में बचेगा वन ठीक है, और यहाँ प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है माइनस, ये हो जाएगा फोर एक्स हो जाएगा के बाय में कितना बचेगा एक्स स्क्वेयर माइनस वन का होल स्क्वेयर ये बचेगा ठीक है, ये आप लोगों का क्या रहेगा आंसर रहेगा, ये आप लोगों का क्या रहेगा आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास में बेसिकली यही दिया गया है कि एक्स के पावर एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वन के बाय में एक्स स्क्वेयर माइनस वन, तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है वाई के बराबर मान लेना है भाई इस चीज को, कि माना कि वाई बराबर एक्स के पावर एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वन के बाय में एक्स स्क्वेयर माइनस वन, चूंकि यू इक्वल टू एक्स के पावर एक्स माइनस कॉस एक्स भी इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन के बाय में एक्स स्क्वेयर माइनस वन, वाई इक्वल टू यू प्लस भी, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, तो यू का वैल्यू हो जाएगा एक्स के पावर एक्स माइनस कॉस एक्स दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लॉग यू इक्वल टू हो जाएगा लॉग एक्स के पावर एक्स माइनस कॉस एक्स, तो लॉग यू इक्वल टू एक्स माइनस कॉस एक्स लॉग एक्स हो जाएगा समीकरण दो का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो वन बाय यू डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा, तो एक्स माइनस कॉस x d by dx log x हो जाएगा प्लस log x d by dx x minus cos x हो जाएगा। अगले स्टेप में हमारे पास हो जाएगा 1 by u du by dx हो जाएगा और इक्वल टू x minus cos x d by dx log x का अवकलन होता है 1 by x log x log x d by dx x का अवकलन 1 होता है minus cos x का minus sin x होता है, लेकिन minus minus के यहां पर प्लस हो गया इसलिए 1 plus sin x हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये आ जाएगा भाई कि 1 by u du by dx इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस कॉस एक्स के बाय में एक्स प्लस लॉग एक्स वन प्लस साइन एक्स हो जाएगा और डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू हो जाएगा एक्स माइनस कॉस एक्स के बाय में एक्स हो जाएगा प्लस लॉग एक्स वन प्लस साइन एक्स के बाय में वन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जब हम लोग देखते हैं तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स के पावर एक्स माइनस कॉस एक्स, एक्स माइनस कॉस एक्स के बाय में एक्स प्लस लॉग एक्स वन प्लस साइन एक्स के बाय में वन हो जाएगा, चूंकि वी इक्वल टू होता है एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाय में एक्स स्क्वेयर माइनस वन, चूंकि यू के बेस पे हम लोग तो सॉल्व कर चुके हैं इसको, अब हम लोग इसको वी के बेस पे सॉल्व करते हैं भाई, वी के बेस पे जब इस चीज को सॉल्व करते हैं तो भी इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वन के बाय में एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका एक्स के सापेक्ष फिर से हम लोग क्या करते रहे भाई अवकलन करते रहे, तो डीवी बाय डीएक्स इक्वल टू हो जाएगा डी बाय डीएक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन के बाय में एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो यहां पर हो जाएगा डीवी बाय डीएक्स इक्वल टू हर गुणित अंश का अवकलन गुणांक माइनस अंश गुणित हर का अवकलन गुणांक के बेस पे क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन डी बाय डीएक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन डी बाय डीएक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर के बेस पे हो जाएगा, तो डीवी बाय डीएक्स इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा 1 का 0 होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर पे क्या होगा 2x होगा माइनस 1 का क्या होगा 0 होगा, बाय में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर के बेस पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, dv बाय dx के बेस पे करते हैं 2x का मल्टीप्लाई फर्स्ट टाइम एक्स स्क्वायर के साथ देन 2x क्यूब माइनस 2x का सेकंड टाइम 1 के साथ देन 2x माइनस 2x का फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ देन 2x क्यूब प्लस 2x का सेकंड टाइम 1 के साथ देन 2x बाय में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बाय में देखेंगे तो डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x ब्रैकेट ओपन किया तो 2x क्यूब माइनस 2x बाय में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस के कारण दोनों 2x क्यूब 2x क्यूब यहां पर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और माइनस 2x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2x माइनस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 4x, तो नेक्स्ट स्टेप में
जाएगा डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस टू एक्स के बारे में एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस फोर एक्स के बारे में एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा आप लोगों का इक्वेशन नंबर फोर्थ। ये कितना हो जाएगा आप लोगों का इक्वेशन नंबर फोर्थ के बेस पे हो जाएगा। अब समीकरण ठीक है, इक्वेशन थर्ड से और फोर्थ से हम लोग वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तब हमारे पास क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स के पावर एक्स माइनस कॉस एक्स ब्रेकेट में हो जाएगा एक्स माइनस कॉस एक्स के बारे में एक्स प्लस लॉग एक्स वन प्लस साइन एक्स के बारे में वन प्लस हो जाएगा माइनस फोर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, क्योंकि ये डीवी बाई डी एक्स का वैल्यू है। अगर आगे स्टेप में हम लोग सॉल्व करना चाहेंगे तो यहाँ से लास्ट स्टेप क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स के पावर एक्स माइनस कॉस एक्स ब्रेकेट एक्स माइनस कॉस एक्स बाय एक्स प्लस लॉग एक्स वन प्लस साइन एक्स बाय वन देन प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस देन फोर एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर नाइन के बेस पे रहेगा आप लोगों का ये आंसर। ये किसके बेस पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर नाइन के बेस पे रहेगा, क्लियर। तो चलिए इसके बाद का एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के बेस पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बेस पे क्या होता है भाई, इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 के बेस पे ये आप लोगों का एक्स होता है, ये आप लोगों का साइन एक्स होता है, ठीक है, ये आप लोगों का एक्स और किसी भी तरीके से नहीं होता है, क्लियर। तो चलिए इस बेस पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के बेस पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो बेसिकली आप लोगों का जो फार्मूला है उस फार्मूला को याद रखना है, साइन एक्स के साइन एक्स का कॉस एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, जितने भी सी फैमिली होते हैं वो आप लोगों के नेगेटिव चार्ज के बेस होते हैं। लॉग एक्स डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस वन होता है, डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट सी का वैल्यू कितना होता है जीरो होता है, डी बाई डी एक्स एक्स का एक्स लॉग ए होता है, क्लियर। इसी के बेस पे डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है माइनस वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है, डी बाई डी एक्स टेन एक्स का टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स का क्या होता है माइनस वन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, डी बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है वन बाय एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है, डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स का क्या होता है माइनस वन एक्स बाय एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन के बेस पे होता है। तो ये सारे फार्मूला आपको याद रखने हैं जो कि मल्टीप्लाई के बेस पे होता है, कोई डिविजन के बेस पे होता है, कोई आप लोगों के अंश हर के अनुपात के बेस पे होता है, कोई आप लोगों के प्रथम फलन से द्वितीय फलन के बेस पे होता है, या फिर द्वितीय फलन से प्रथम फलन के बेस पे होता है। तो ये सारे इक्वल क्वेश्चन के बेस पे आप लोगों को इस क्वेश्चन को देखते हुए चलना है भाई, ठीक है। तो चलिए हम अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बेस पे ये भी आप लोगों के क्वेश्चन नंबर जो 7th को बनाए थे, क्वेश्चन नंबर 8 को बनाए थे, क्वेश्चन नंबर 9th को जो बनाए थे, उसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में है। तो चलिए इस क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग यहां से सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बेस पे हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हैं भाई। तो चलिए इसके लिए भी सॉल्व लिख लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10 के बेस पे, क्वेश्चन नंबर 10 के बेस में यहां से हम लोग इस चीज को सॉल्व लिखते हैं भाई, सॉल्व लिखते हैं, मान लेते हैं यहां से हम लोग मानते हैं कि माना कि y इक्वल टू, ठीक है, माना कि y इक्वल टू, ठीक, क्लियर। चलिए मान लेते हैं भाई, माना कि y इक्वल टू क्या आता है, इस चीज को हम लोग यहां से देखते हैं, यहां से हम लोग इस चीज को देखते हैं, माना कि यहां से हाईलाइटर के बेस में आ जा रहा, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्या करोगे, ठीक है। यहां से देखते हैं माना कि y इक्वल टू, माना कि y इक्वल टू, माना कि यहां पर क्या हो जाएगा भाई, y इक्वल टू, माना कि y इक्वल टू, माना कि y इक्वल टू यहां से लेते हैं भाई, यहां से ले लेते हैं माना कि y इक्वल टू, क्योंकि साफ स्वच्छ सुलेख सुव्यवस्थित सुसज्जित सुंदर सुस्पष्ट लिखोगे तभी मजा आता है भाई, ठीक है। तो यहां से हम लोग इस चीज को लिख लेते हैं, माना कि y इक्वल टू, चलिए मान लेते हैं अब यहां से माना कि y इक्वल टू, माना कि y इक्वल टू यहां से मान लेते हैं, माना कि y इक्वल टू क्या है, एक्स है और कॉस एक्स है, ठीक है, एक्स कॉस एक्स के पावर क्या है एक्स है प्लस एक्स साइन एक्स के पावर है वन बाय एक्स, ये है। इस चीज को हम लोग यहां से मार रहे हैं भाई, इस चीज को हम लोग यहां से मार रहे हैं। तो माना कि y इक्वल टू है x cos x के पावर x है प्लस x sin x के पावर क्या है 1 बाय x है। तो इस बेसिस पे हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हैं, y इक्वल टू इस चीज को हम लोग मान लिए हैं, y इक्वल टू इस चीज को मान लिए हैं। अब यहां से देखते हैं, फिर से एक बार और मान लेते हैं कि यहां पर जो चीज दिया गया उसको माना कि एक बार और
यहाँ से माना कि u इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं कि x cos x के पावर क्या हो जाएगा x, और u और v इक्वल टू हम लोग यहाँ से एक और चीज मान लेते हैं x sin x के पावर 1/x, इस चीज को मान लेते हैं। क्लियर। तो क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया है x cos x के पावर x प्लस x sin x दिया गया है के पावर क्या दिया गया है 1/x दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के बेस्ड हम लोगों को इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आपको जो मेथड जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में करते आ रहे थे उसी क्वेश्चन के बेस पे आप लोगों को करना है भाई, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज को मानते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू हम लोग यहाँ पर करते हैं तब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तब y इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, y इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा, ये आपका u हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तब यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा dy by dx इक्वल टू du by dx हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा dv by dx हो जाएगा। क्लियर। इसको हम लोग समीकरण नंबर एक के बेस पे मान लेते हैं भाई, इस चीज़ को हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर एक के बेसिस पे मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर एक के बेस पे मान लेते हैं इस चीज़ को, ठीक है। यह हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर एक हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर एक के बेस पे, यह हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर एक। क्लियर। तो हमारे पास दिया गया x cos x के पावर x प्लस x sin x के पावर 1/x के बेस पे दिया गया है, तो y इक्वल टू हो जाएगा x cos x के पावर x प्लस x sin x के पावर 1/x। तो चूंकि u इक्वल टू हो जाएगा x cos x का पावर x, v इक्वल टू x sin x के पावर 1/x, तो यहाँ पर हम लोग y के इक्वल टू देखते हैं, तो y इक्वल टू हो जाएगा u प्लस v। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy by dx इक्वल टू हो जाएगा du by dx प्लस dv by dx के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग u के बराबर ले लेते हैं भाई, चूंकि u बराबर क्या है यहाँ पर, चूंकि u बराबर क्या दिया गया हमारे पास, u बराबर दिया गया है x दिया गया है, और यहाँ पर क्या दिया गया है, cos x दिया गया है, तो पूरे का पावर क्या हो जाएगा x। अब दोनों पक्षों में लॉग लेने पर हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई, लॉग ले रहे हैं। तो दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं तो ये किस बेस पे आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। तो दोनों पक्षों में जब लॉग लेते हैं तो ये किस बेसिस पे आता है, तो यहाँ से इस चीज़ को देखते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, लॉग यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों का लॉग हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स कॉस एक्स हो जाएगा के पावर क्या हो जाएगा, एक्स। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये चीज log u इक्वल टू ये हो जाएगा x log x और ये क्या हो जाएगा x, और ये हो जाएगा cos x, ये हो जाएगा x सामने आ जाएगा, log x cos x हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि जो log पावर के बेस में होता है, जो आप लोगों के पावर के बेस में जो होता है ना, log m n के बेस पे, तो क्या होता है n log m इस बेस पे होता है ना, तो इसी के अकॉर्डिंग में यहाँ पर आप लोगों के पास है। क्लियर। तो चलिए इस स्टेप से आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं भाई, ठीक है। तो x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन टू रेस्पेक्ट ऑफ x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक सके सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, एक सके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं भाई, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो एक सके सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/u, और ये हो जाएगा du/dx, और ये कितना हो जाएगा x एक तरफ करते हैं x d/dx, यहाँ पर कितना हो जाएगा log ब्रेकेट में हो जाएगा x cos x प्लस log हो जाएगा, और ये हो जाएगा x cos x, और यहाँ पर हो जाएगा d/dx, यहाँ पर हो जाएगा x। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में क्या दिया गया था, x cos पूरे के पावर था x प्लस
था, प्लस के बेस पे दिया गया था ना, प्लस था एक्स साइन एक्स वन बाय एक्स के बेस पे दिया गया है, क्लियर। तो इसी के बेस पे हम लोग इस चीज को सॉल्व किए, तो यू प्लस वी के बेस पे था ये, क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, u इक्वल टू एक्स कॉस एक्स पावर एक्स, v इक्वल टू एक्स साइन एक्स पावर वन बाई एक्स के रूप में माने, तो y इक्वल टू हो जाएगा u प्लस वी, और x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पर कितना हो जाएगा, dy वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा प्लस डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा, x कॉस एक्स के पावर एक्स हो जाएगा, तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर लॉग u इक्वल टू लॉग x कॉस एक्स के पावर एक्स हो जाएगा, लॉग u इक्वल टू हो जाएगा x लॉग x कॉस एक्स, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पर वन बाई यू डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा, x dx log x cos x plus log x cos x dx x हो जाएगा। तो यहां पर आपका नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 1 by u du by dx equal to x into log x, तो 1 by x हो जाएगा, 1 by x हो जाएगा। और इसका फिर से अवकलन कर लेते हैं भाई हम लोग, d by dx x cos x का फिर से कर लेते हैं, और यहां पर कितना हो जाएगा, log हो जाएगा x cos x हो जाएगा, और इसका अवकलन कितना होता है, 1 होता है, क्लियर। चलिए अब आगे इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं, आगे इस बेस पे हमारे पास आता है, इस चीज़ के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, क्लियर। चलिए आगे हम लोग इस बेसिस पे सॉल्व करते हैं, ये किस क्वेश्चन के क्लोडिंग के बेस पे, क्लियर। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन के बेस पे सॉल्व करते हैं, तो ये किस बेस पे आता है, 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू 1 बाई एक्स कॉस एक्स डी बाई डी एक्स, एक्स कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स इंटू 1 के बेस पे है। आगे जब इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो आगे जब इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, तो ये किसके बेस पे आ जाता है, तो ये 1 बाई यू, ये आता है 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स के बेस पे आता है, डी यू बाई डी एक्स के बेस पे आता है, क्लियर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, एक्स के बारे में कितना हो जाएगा, एक्स और यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स कॉस एक्स का करेंगे तो एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और प्लस कॉस एक्स का करेंगे तो एक्स का वन हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। और प्लस प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग लॉग हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आप लोगों का इस बीच पे है, क्लियर। आगे आप इस चीज़ को देखते हैं हम लोग, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, तो वन बाय यू और ये कितना हो जाएगा, डी यू बाय डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा, ये एक्स एक्स के साथ कट जाएगा, तो ये बचेगा वन बाय कॉस एक्स, और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस बचेगा लॉग, और यहाँ ब्रैकेट में बचेगा एक्स कॉस एक्स, ये बचेगा। अब यहाँ से डी यू बाई डी एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को निकालते हैं, डी यू बाई डी एक्स के बेस पे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स के बेस पे करते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये यू इधर आ जाएगा, तो यू इंटू वन बाय कॉस एक्स है, कॉस एक्स है, ब्रेकेट में हमारे पास क्या दिया गया, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस क्या दिया गया है, कॉस एक्स प्लस दिया गया है, यहाँ पर लॉग दिया गया है, और यहाँ पर ब्रेकेट में एक्स कॉस एक्स दिया गया है। आगे जब इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, तो ये होता है हमारे पास डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, यू का वैल्यू को रख दो भाई, एक्स के पावर एक्स कॉस एक्स के पावर एक्स है, बाय में कॉस एक्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो और यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और प्लस हो जाएगा यहाँ से लॉग, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स कॉस एक्स, ठीक है। ये आप लोगों का हो जाएगा, ये फर्स्ट है, इस इक्वेशन को हम लोग सेकेंड मान लेते हैं भाई, इस इक्वेशन को हम लोग क्या मान लेते हैं, सेकेंड मान लेते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग क्या मान लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण नंबर दो मान लेते हैं, ये समीकरण नंबर एक है, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर दो, समीकरण नंबर दो के बेस पे, ठीक है, इसको हम लोग समीकरण नंबर दो के बेस पे मान लेते हैं। अब v इक्वल टू लेते हैं, अब v इक्वल टू, अब v इक्वल टू क्या है, अब v इक्वल टू है x और साइन एक्स, एक्स साइन एक्स है के पावर कितना है, वन बाय एक्स है, ये है, क्लियर। देखिए यहाँ से भी वाले स्टेप को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में
दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग भी, और ये क्या हो जाएगा एक्स के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। तो लॉग हो जाएगा और एक्स साइन एक्स के पावर 1/x ये हो जाएगा, क्लियर। चलिए अब आगे इसका देखते हैं, इसका आगे स्टेप क्या होता है इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ से भी इक्वल टू देखे हैं एक्स साइन एक्स के पावर में क्या दिया गया है 1/x दिया गया है। तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में क्या लेने पर, लॉग लेने पर, तो लॉग भी इक्वल टू हो जाएगा लॉग एक्स साइन एक्स के पावर 1/x के बेस पे। भी इक्वल टू हमारे पास क्या दिया गया है एक्स साइन एक्स दिया गया है, टू दी पावर कितना दिया गया है 1/x दिया गया है। तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर लॉग भी इक्वल टू लॉग एक्स साइन एक्स टू दी पावर 1/x के बेस पे दिया गया है, क्लियर। तो इस चीज़ को सॉल्व करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा लॉग भी इक्वल टू, ठीक है, लॉग भी इक्वल टू दिया है हमारे पास, हो जाएगा लॉग भी, लॉग भी इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/x सामने आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा लॉग और ब्रेकेट में हो जाएगा एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स ये हो जाएगा, क्लियर। अब इस चीज़ को यहाँ से देखते हैं, लॉग भी इक्वल टू 1/x लॉग एक्स साइन एक्स के बेसिस पे है हमारे पास, देखिए। तो इसको हम लोग 1/1 करके देखते जा रहे हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो चलिए यहाँ से अवकलन कर देते हैं भाई, तो यहाँ पर क्या आता है इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/v, और ये हो जाएगा dv/dx, dv/ क्या हो जाएगा dx, यहाँ पर हो जाएगा dv/ क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, ये हो जाएगा dv/dx इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस चीज़ को हम लोग करते हैं तो 1/x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, और ये हो जाएगा d/dx हो जाएगा, लाइटर भी ना d/dx के बेस पे होता है। तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं d/dx ब्रेकेट में हो जाएगा ये आप लोगों का लॉग, और ये कितना हो जाएगा x साइन x हो जाएगा, x साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा। प्लस के माध्यम से जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो प्लस हो जाएगा, इसका आगे के स्टेप को देखते हैं, इसका आगे के स्टेप किस बेस पे आता है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा लॉग, लॉग हो जाएगा, और ये एक्स साइन एक्स हो जाएगा, और d/dx ये हो जाएगा 1/x हो जाएगा, क्लियर। चलिए अब आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, तो आगे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये किस बेस पे हो जाएगा इस चीज़ को देखते हैं। ये 1/v, और ये हो जाएगा dv/dx, dv/ कितना हो जाएगा dx, क्लियर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा dv/dx के बेस पे हो जाएगा, तो ये 1/x हो जाएगा इंटू लॉग एक्स का क्या होता है 1/x होता है, ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स, और इसका फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स साइन एक्स का, तो एक्स हो जाएगा एक्स इंटू साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और प्लस हो जाएगा साइन एक्स, और एक्स का क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा, ठीक है। प्लस प्लस यहाँ पर ये कितना हो जाएगा इस चीज़ को देखते हैं, तो प्लस के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो प्लस के बेस पे यहाँ पर क्या आएगा इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। चलिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा लॉग, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स साइन एक्स, ये ऊपर चला जाएगा तो एक्स के पावर -1 हो जाएगा, तो 1/, ये -1/x स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। चलिए अब यहाँ से इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, एक्स के पावर -1 हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, एक्स के पावर -1 के बेस हो जाएगा। तो आगे स्टेप इस चीज़ को देखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/v, ये हो जाएगा dv/dx इक्वल टू ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स, और ये हो जाएगा एक्स, और ये कितना है कॉस एक्स है, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स के बाय में यहाँ से हम लोग करते हैं तो एक्स हो जाएगा, और ये इसके साथ जुड़ा है एक्स, और एक्स साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर जुड़ गया है, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा भाई, यहाँ से प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो इस चीज़ को माइनस के बेस पे लिख लो भाई,
क्लियर। इस चीज़ को आप लोग माइनस के बेस पे लिख लो, तो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा लॉग, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स साइन एक्स हो जाएगा कि बाय में एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को लिखते हैं, तो ये आप लोगों का डी वी बाय डी एक्स के बेस पे हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा वी हो जाएगा कोष्टक में हो जाएगा एक्स कॉस एक्स प्लस क्या हो जाएगा साइन एक्स के बाय में कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, और ये एक्स यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स माइनस हो जाएगा, ये लॉग हो जाएगा ब्रेकेट में हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा के बाय में एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। क्लियर। भी का वैल्यू को हम लोग यहाँ से रख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा डी वी बाय डी एक्स हो जाएगा। भी का वैल्यू कितना है भाई, भी का वैल्यू कितना है, भी को हम लोग क्या माने एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स के पावर वन बाय एक्स, और यहाँ पर ये है एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स के बाय में कितना दिया गया एक्स, एक्स साइन एक्स दिया गया है माइनस लॉग, और यहाँ पर दिया गया है एक्स साइन एक्स के बाय में दिया गया एक्स स्क्वेयर। आप लोगों का हो जाएगा समीकरण नंबर, समीकरण नंबर ये आप लोगों का हो जाएगा, देखते हैं समीकरण नंबर दो, तो ये आप लोगों का समीकरण नंबर हो जाएगा भाई तीन के बेस पे हो जाएगा ये आप लोगों का, ठीक है, ये आप लोगों का समीकरण हो जाएगा तीन, ये आप लोगों का कौन सा समीकरण हो जाएगा, समीकरण नंबर हो जाएगा तीन, ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर तीन, ठीक है। अब समीकरण दो व तीन का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण दो व तीन का मान समीकरण नंबर एक में रखने पर, तो चलिए रख देते हैं समीकरण दो, समीकरण दो व तीन का मान, समीकरण दो व तीन का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण नंबर एक में रखने पर, तो चलिए इसको समीकरण नंबर एक में रख देते हैं भाई, तो दोनों को जोड़ के लिखना पड़ेगा, तो दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम लोग इस कलर में लिख देते हैं भाई, यहाँ से आपका आंसर के बेस पे आ रहा है इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा एक्स कॉस एक्स, एक्स कॉस एक्स के पावर एक्स हो जाएगा के बटे में क्या हो जाएगा आप लोगों का कॉस एक्स, कॉस एक्स ब्रेकेट में हो जाएगा आप लोगों का माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और प्लस हो जाएगा यहाँ पर लॉग और एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसका आ जाएगा डी वी बाई डी एक्स का, इसका हो जाएगा एक्स साइन एक्स के पावर वन बाय एक्स हो जाएगा, और ब्रेकेट में ये हो जाएगा एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स के बाय में एक्स, और यहाँ पर एक्स साइन एक्स हो जाएगा माइनस हो जाएगा लॉग, यहाँ पर हो जाएगा एक्स साइन एक्स के बाय में एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। ये आप लोगों का क्या रहेगा आंसर रहेगा भाई, ये आप लोगों का क्या रहेगा तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ये रहेगा आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर के बेस पे है, तो समीकरण एक के बेस पे आप लोगों को इस चीज़ को क्या करना था रखना था भाई, समीकरण एक के बेस पे आप लोगों को इस चीज़ को रखना था, तो एक के सापेक्ष के बेस पे जब हम इस क्वेश्चन को देखे, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर टेन के बेस पे देख रहे थे कि टेन के बेस पे जब हम इस क्वेश्चन को देखे थे, ठीक है, तो यहाँ पर टेन के बेस पे हम लोग देखे थे तो क्या बेस पे आ गया था, तो एक्स कॉस एक्स पावर एक्स, एक्स साइन एक्स के पावर वन बाई एक्स, तो माना कि वाई इक्वल टू एक्स कॉस एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखे तो एक्स साइन एक्स के पावर वन बाई एक्स के बेसिस हो जाएगा, तो माना कि यू इक्वल टू एक्स कॉस एक्स और एक्स साइन एक्स के बेस पे हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, यू इक्वल टू हो जाएगा एक्स कॉस एक्स के पावर एक्स दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो लॉग लिए फिर एक्स के सापेक्ष इसका क्या कर दिए अवकलन कर दिए, तो ये आप लोगों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर 1 बाय यू डी यू बाई डी एक्स के बेस पे हो गया इक्वल टू एक्स डी बाई डी एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स डी बाई डी एक्स एक्स के बेस पे हो गया 1 बाय यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू 1 बाय एक्स कॉस एक्स डी बाई डी एक्स एक्स कॉस एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स के बेस पे आ गया, तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 के बेसिस पे था जब आपके पास दिया गया है कि एक्स कॉस टू दी पावर एक्स प्लस एक्स साइन के बेस पे दिया गया है, एक्स साइन एक्स टू दी पावर कितने के बेस में दिया गया है 1 बाय एक्स के बेस में दिया गया, तो ये आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 10 के बेसिस पे रहेगा, क्लियर। चलिए अब इसका आगे क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के बेस पे देखते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बेस पे,
वास्तव में क्वेश्चन नंबर 11 किस बेस पे सॉल्व होता है, इस क्वेश्चन सेम मेथड है, सेम प्रोसेस है, आप लोगों को बस थोड़ा सा प्लस माइनस पे ही ध्यान देना है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा ही प्लस माइनस के बेस पे आपको क्या करना है, ध्यान देना है भाई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के बेस पे हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, इस चीज़ को करते हैं। मान लेते हैं, माना कि y इक्वल टू यहाँ से कितना है, x है, x प्लस वन बाय x है, ठीक है, x प्लस वन बाय x है, और प्लस यहाँ पर है x है, और यहाँ पावर में दिया गया है वन प्लस वन बाय x, ये दिया गया है, क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जब इस क्वेश्चन को हम लोग इस क्वेश्चन के बेस पे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर किसके बराबर आता है, तो यहाँ पर एक और बार मान लेते हैं कि माना कि u इक्वल टू यहाँ पर x प्लस वन बाय x मान लेते हैं, और v इक्वल टू मान लेते हैं x की पावर वन प्लस वन बाय x, इसको मान लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को एक रोडिंग में हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं इलेवेंथ के बेस पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, जब हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा ये u प्लस वी। तो यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, dy वाई बाय डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा du यू बाय डी एक्स प्लस डी वी बाय डी एक्स, ये हो जाएगा आप लोगों का, क्लियर, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर एक। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं भाई, समीकरण नंबर एक मान लेते हैं, इसको हम लोग समीकरण नंबर एक मान लेते हैं, क्लियर। चलिए अब आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं हम लोग, क्लियर। तो समीकरण नंबर एक, तो पहला यू के बेस पे सॉल्व कर लेते हैं भाई, यू के बेस पे क्या आता है, तो पहला अगर यू के बेस पे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो चूंकि यू के बेस पे हमारे पास है, चूंकि यू इक्वल टू यहाँ पर क्या दिया गया है, एक्स प्लस वन बाय एक्स, ये दिया गया है, तो इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पर एक्स के सापेक्ष क्या करना है भाई, अवकलन करना है। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो किस बेस पे आता है, इस चीज़ को देखते हैं, तो ये आ जाएगा आप लोगों का du बाय dx, ये हो जाएगा d बाय dx हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स, ये हो जाएगा, क्लियर। तो चलिए इस स्टेप को आगे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो इस स्टेप के बलबूते हम लोग जब इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो ये किसके बेस पे आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई, क्लियर। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में किस बेस पे आता है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को जानते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से इस चीज़ को हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया डी यू बाई डी एक्स के बेस पे, डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन डी बाय डी एक्स, यहाँ पर एक्स हो जाएगा, पूरे के बारे में हो जाएगा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। हर गुणित अंश का अवकलन गुणांक माइनस अंश गुणित हर का अवकलन गुणांक बटे में हर का क्या होता है, वर्ग होता है, तो हर के वर्ग के बेस पे ही आप लोगों को हो जाएगा। तो इस बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, du बाय dx के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो ये x हो जाएगा, इसका अवकलन गुणांक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस इसका करेंगे तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, x का करेंगे तो यहाँ पर कितना होता है, वन होता है, पूरे के बारे में हम लोग करेंगे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आगे स्टेप में जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखते हैं इस चीज़ को, आगे स्टेप के बेस पे जब क्या होता है, इस चीज़ को देखते हैं, तो यहाँ पर फिर से हो जाएगा du बाय dx ये हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, के बारे में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। आगे जब इस स्टेप को सॉल्व करते हैं, क्योंकि 2x का फर्स्ट टाइम x के साथ होगा, देन 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, और वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम वन ही आएगा भाई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, du बाय
डी एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन के बाय में एक्स स्क्वायर ये बचेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का समीकरण नंबर दो मान लेते हैं इस चीज़ को। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर दो मान लेते हैं इस चीज़ को, समीकरण नंबर दो, इस चीज़ को करते हैं समीकरण नंबर दो, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं समीकरण नंबर दो। ठीक है, अब हम लोग भी के बेस पे ज्ञात करते हैं भाई, भी के बेस पे, अब भी के बेस पे ले लेते हैं, अब भी के बेस पे लेते हैं, तो भी के बेस पे क्या है, एक्स के पावर है वन प्लस वन बाय एक्स ये दिया गया है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो भी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स के पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वन बाय एक्स ये हो जाएगा। क्लियर, तो चलिए इसको हम लोग लॉग के मेथड से सॉल्व करते हैं, क्योंकि लॉग के बेस पे, क्योंकि पावर के बेस पे है, मतलब ये लॉग के बेस पे आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर लॉग भी इक्वल टू हो जाएगा लॉग, और यहाँ पर एक्स हो जाएगा, इसमें हो जाएगा एक्स प्लस वन बाय एक्स हो जाएगा। क्लियर, अब चलिए यहाँ से हम लोग करते हैं, तो यहाँ से एक स्टेप में सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा लॉग भी हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स प्लस वन बाय एक्स हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा। क्लियर, अब चलिए इसका भी अवकलन कर देते हैं भाई हम लोग। ठीक है, इसका भी अवकलन कर देते हैं यहाँ से हम लोग, तो ये किस बेस पे आता है, इस चीज़ के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो एक्स के सापेक्ष यहाँ पर भी इसका अवकलन कर देते हैं, एक्स के सापेक्ष यहाँ पर भी इसका क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। तो चलिए एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर भी देखते हैं एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने करने पर, एक्स के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन करने पर, तो चलिए अवकलन कर देते हैं भाई इस चीज़ को, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा वन बाय भी हो जाएगा, वन बाय भी, और डी वी बाय डी एक्स हो जाएगा, वन बाय भी डी वी बाय डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर इस चीज़ को करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स के बेस पे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस वन के बाय में एक्स हो जाएगा, और डी बाय डी एक्स ये हो जाएगा लॉग एक्स, लॉग एक्स प्लस यहाँ पर हो जाएगा लॉग एक्स, यहाँ पर हो जाएगा लॉग एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोगों का लॉग एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, ये लॉग एक्स के बेस पे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा लॉग एक्स और डी बाय डी एक्स, यहाँ पर इस चीज़ को देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस वन के बाय में कितना हो जाएगा एक्स ये हो जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस वन के बाय में एक्स, अब इसको हम लोग एक्स के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, ये किस बेस पे आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जब देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा वन बाय भी डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस वन बाय एक्स इंटू लॉग एक्स का वन बाय एक्स होता है प्लस 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 यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग एक्स, लॉग एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, प्लस किसके बेस पे देख रहे हैं लॉग एक्स के बेस पे, तो प्लस लॉग एक्स के बेस पे देख रहे हैं तो लॉग लॉग एक्स हो जाएगा ये हो जाएगा, लॉग एक्स के बेस पे देख रहे हैं तो इस चीज़ को लॉग एक्स के बेस पे लॉग एक्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इस चीज़ को देखते हैं, ये आप लोगों का लॉग एक्स। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं अंश गुणित हर के बेस पे, तो एक्स हो जाएगा इंटू इसका अवकलन करेंगे तो एक्स का कितना हो जाएगा वन हो जाएगा, और उसका जीरो हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वन हो जाएगा, और एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा आप लोगों का वन हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर ये हो जाएगा, क्योंकि अंश गुणित हर के अवकलन गुणांक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बेस पे हम लोग इस चीज़ को कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा वन बाय भी, और ये हो जाएगा डी भी बाय डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स प्लस वन के बाय में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस लॉग हो जाएगा ब्रेकेट में हो जाएगा एक्स माइनस वन के बटे में हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। आगे स्टेप में जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो वन बाय भी, और ये होता है डी भी बाय डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर क्या होता है एक्स प्लस वन के बाय में एक्स स्क्वायर होता है प्लस प्लस माइनस का ये कट जाता है माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस लॉग हो जाएगा, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा माइनस लॉग हो जाएगा, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा
माइनस लॉग हो जाएगा, ये आप लोगों का लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स हो जाएगा, तो बाय में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस स्टेप को आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, वन बाय वी, और ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन माइनस लॉग एक्स के बाय में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इस स्टेप को आगे हम लोग सॉल्व करते हैं डी वी बाई डी एक्स के बेस पे, डी वी बाई डी एक्स के बेस पे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं डी वी बाई डी एक्स के बेस पे, तो यहाँ पर भी ब्रेकेट में आता है एक्स प्लस वन माइनस लॉग एक्स के बटे में एक्स के स्क्वायर, ये आता है। ठीक है, तो भी की जगह हम इसका वैल्यू रख दो भाई, तो डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। भी का वैल्यू कितना है, भी का वैल्यू है हमारे पास एक्स का पावर है वन प्लस वन बाय एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस वन माइनस लॉग एक्स के बारे में हो जाएगा एक्स के स्क्वायर। ये हो जाएगा आप लोगों का समीकरण नंबर दो, ये हो जाएगा आप लोगों का समीकरण नंबर तीन। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर तीन हो जाएगा, ये आप लोगों का हो जाएगा समीकरण नंबर तीन भाई, ये हो जाएगा आप लोगों का समीकरण नंबर तीन। तो समीकरण दो व तीन से कमान, ये हो जाएगा आप लोगों का समीकरण नंबर तीन। ठीक है, तो समीकरण दो व तीन कमान, समीकरण दो व तीन का मान, तीन का मान मान समीकरण समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर, समीकरण नंबर एक में रखने पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन के बारे में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा एक्स का पावर वन प्लस वन बाय एक्स, और यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स प्लस वन माइनस लॉग एक्स, लॉग एक्स के बाय में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये रहेगा आपका आंसर, ये रहेगा आपका आंसर। किस बेस पे रहेगा भाई ये आप लोगों का आंसर, तो ये आप लोगों का आंसर क्वेश्चन नंबर 11 के बेस पे रहेगा, जब आप लोगों का एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस एक्स के पावर वन प्लस वन बाय एक्स के बेस पे था, तो क्वेश्चन नंबर के बेस पे। तो बेसिकली आप लोगों को वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस एक्स टू दी पावर वन प्लस वन बाय एक्स, यू इक्वल टू एक्स प्लस वन बाय एक्स, वी इक्वल टू एक्स वन प्लस वन बाय एक्स, वाई इक्वल टू यू प्लस वी, एक्स सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी वाई बाई डी एक्स के बेस पे था, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 के बेस पे था। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसमें हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 9 10 11 के बेस में। इसका आगे का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, उस क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 12 के साथ हम लोग मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। तो आज का क्लास यहीं ओवर करते हैं, ओके बाय, हैव अ नाइस डे।